हाय एवरीवन, तो आज हम बनाने जा रहे हैं बड़ा पाव, जो दो तरीके से सिंपली और चीज़ वाला। तो चलिए इसकी रेसिपी शुरू करते हैं कि कैसे बना। तो सबसे पहले जो है, मैंने आलू को बॉईल कर लिया है और इन्हें छील लिया है, और ये एकदम ठंडे हैं तो एकदम ठंडा करके ही हमें लेना है। अब एक पैन में ऑयल ले लेना है, थोड़ा सा, बिल्कुल आधा चम्मच। उसके बाद इसमें हम ऐड करने वाले हैं राई थोड़ी सी। सबसे पहले हम बना रहे हैं बड़ा पाव के लिए मसाला, तो इसमें मैंने मस्टर्ड सीड या राई, जो भी कह लो, उसे ऐड कर दिया है। जब ये क्रिकल हो जाएंगे तब हम इसमें ऐड करने वाले हैं फिर मैश किए हुए पोटैटोज़। तो इसको अच्छे से मैश कर लेना है इस तरीके से। एक साइड में मैं ऐड कर रही हूँ आलू, एक साइड में इसलिए ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं, कि इसमें हमको ऐड करना है स्पाइसेस, मसाला। तो मसाले के लिए थोड़ा सा हल्दी पाउडर 1/4 स्पून, थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर, और इसके अलावा कड़ी पत्ते। मैं बहुत ज़्यादा नहीं कुछ ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करना है। आप हींग वगैरह, गार्लिक वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, ग्रीन चिल्ली ऐड कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट ये सब चीज़ आप चेंज कर सकते हैं। मैं बहुत ही सिंपल सी कुकिंग दिखाती हूँ, कि अगर बहुत सारा आइटम ना भी हो तो भी आप उससे प्रिपेयर कर सकते हैं, एंड होप सो कि आपको पसंद आता होगा। सिंपली आई लव कुकिंग और आप लोग के साथ शेयर करती हूँ बस। तो इसके बाद इसे अच्छे से मैश कर लेना है। ये बिल्कुल अच्छे से उबले हुए आलू हैं इसीलिए, और देखिए मसाला रेडी हो गया है। बहुत ही मीडियम और लाइट सा मसाला हम लोग खाते हैं तो इसीलिए। अब इसको एकदम ठंडा हमें करना है, ठंडा ये जब तक होता है जब तक हम इसको एक साइड रख देंगे, और हम रेडी करेंगे अपने बैटर, मतलब तलने के लिए बेसन का बैटर बनाना है। तो ये मैंने आधा कटोरी बेसन ले लिया है, बड़ा पाव को फ्राई करेंगे, घोल बना रहे हैं इसका। इसमें अजवाइन ऐड किया है, अजवाइन डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। बेसन के साथ मैं 100% हर चीज़ में ऐड भी करती हूँ। सॉल्ट बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि हमने मसाले में भी सॉल्ट ऐड किया है, गार्लिक चटनी इसके साथ सर्व करते हैं और चटनियाँ, उनमें भी सॉल्ट होता है, तो आप ये ध्यान रखें। बिल्कुल पिंच ऑफ हल्दी पाउडर, ताकि उसका कलर अच्छा है, और अब इसे मिक्स करके घोल बना लेंगे, जैसा हम पकौड़ों के लिए बनाते हैं, सिंपली, उससे ज़्यादा नहीं बनाना है। और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसे रेडी कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके का ही घोल हमें रेडी करना है, और अभी ठंडा हो गया है एक तरफ, तो इस तरीके से बस बॉल बनानी है राउंड राउंड आपको बस, और इसी तरीके से ये बड़ा पाव के लिए बॉल रेडी हो गई। तो छोटी या बड़ी साइज आप पे डिपेंड करती है, जैसा आपकी चॉइस हो। तो इस तरीके से हम एक प्लेट में ये देखिए इस तरीके से रेडी कर लेंगे, घोल भी रेडी हो गया है। अब हम ऑयल गरम करेंगे, ये मेरे लोहे की कढ़ाई है, मैं फ्राई एक्चुअली इसी में करती हूँ, शायद सभी के घर पे फ्राई करने के लिए कढ़ाई अलग होती होगी तो इसलिए। और अब बस एकदम, अब इस समय हमें फ्लेम को मीडियम कर देना है, और एक एक करके हमें बेसन में डिप करना है आलू की बॉल को, और इस तरीके से फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट में फ्राई हो जाता है, एकदम गर्म तेल होता है तो बस। और जो बेसन का घोल बचेगा, ये मैं अभी इसलिए बता रही हूँ कि जो बेसन का घोल बच जाता है लास्ट में, उसको भी आप थोड़ा सा, आपने देखा होगा बड़े पाव के साथ इस तरीके से मिलते हैं छोटे छोटे भजिए, ये देखिए। और मिर्ची भी मैंने साथ में फ्राई कर ली है, बड़ा पाव मिर्ची के बिना तो हो ही नहीं सकता, तो मिर्ची फ्राई करते वक्त थोड़ा सा केयरफुल। बस अब सब रेडी हो गया है तो असेंबल करेंगे। सबसे पहले मैं बटर लगा रही हूँ पाव में इस तरीके से, और जितना कम ज़्यादा लगा सकते हो, बट यस, बटर से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसके बाद हम लगाएंगे ग्रीन चटनी, और ग्रीन चटनी की बहुत तरह की, सैंडविच वाली चटनी और दही भल्ले वाली चटनी एंड अलग अलग कुरकुरे वाली चटनी, मैंने बहुत तरह की अपलोड कर रखी है अपने चैनल पे। तो ये थी ग्रीन चटनी। इसके बाद ये है ड्राई गार्लिक चटनी, जिसका वीडियो मैंने कल ही अपलोड किया है, इससे पहले भी एक अपलोड कर चुकी हूँ मैं लास्ट ईयर। और अब हम रखेंगे इसमें बड़ा पाव, हल्का सा प्रेस करेंगे, फिर थोड़ा सा लगाएंगे गार्लिक ड्राई चटनी, और आप चाहें तो मीठी चटनी या सॉस भी लगा सकते हैं, बट नहीं, तीखा ही मुझे पसंद आता है और मेरी फैमिली को भी। तो ये रेडी हो गया इस तरीके से। अब दूसरा जो है चीज़ बड़ा पाव जो है, वो भी सेम ही बनना है, नया प्रोसेस नहीं है, बट मैं चीज़ स्लाइस लगा रही हूँ इस तरीके से, और ये बच्चों को बहुत पसंद आता है, तो मुझे लगा कि जब बड़ा पाव बना है तो आप लोगों से ये रेसिपी भी शेयर करना बनता है। तो बस चीज़ स्लाइस रखिए, पाव रखिए बड़े पे, बड़ा रखिए सॉरी पाव पे सॉरी, उसके बाद थोड़ी सी गार्लिक चटनी बस, और रेडी हो गया है। और ये ग्रीन चिल्ली फ्राई की हुई
और अब हम इसे करेंगे अच्छे से सर्व। तो मैंने ड्राई गार्लिक चटनी और ग्रीन चटनी के साथ और फ्राइड चिली इस तरीके से सर्व किया है। तो ये सिंपल भी आप खा सकते हैं, इस तरीके से रेडी है खाने के लिए। लेकिन खाना अगर प्रेजेंटेशन अच्छी हो खाने की तो वो खाने में और भी बेटर लगता है, और साथ में इसलिए मैं इस पर चीज़ ग्रेट कर रही हूँ ताकि बहुत अच्छा लगे। तो होप्स हो कि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा, एंड पसंद आया तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और थैंक यू फॉर लॉट्स ऑफ लव। मेरे फूड के वीडियो को भी आपने बहुत सारा प्यार दिया है, आगे भी इस तरीके से प्यार देते रहिए। एंड आप ज़रूर ट्राई करना, इजी है, टेस्टी है, बहुत ही यम और टेस्टी बनता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।